तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ओडो के ऊपर एक वीडियो बना दो, हम ओडो से कैसे अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं एंड प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं। तो आ चुका है ये वीडियो, ये वीडियो का पूरा देखिए, यहाँ पर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ओडो पर कैसे अकाउंट बनाना है एंड आप कैसे अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। तो देखिए कैसे करते हैं एंड ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद से बना रहा हूँ, एकदम जेन्युइन वीडियो होने वाला है, सभी जेन्युइन वीडियो ही होता है। सबसे पहले हम साइन इन करते हैं यहाँ से, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं, खुद का एक अकाउंट बना लेते हैं। तो अपने ईमेल डाल देते हैं, तो मैंने ईमेल नाम एंड पासवर्ड डाल के साइन अप कर लिया है। तो अकाउंट हमारा रेडी है, अभी बिल्कुल ब्लैंक है हमारा अकाउंट, यहाँ पर अपना ई कॉमर्स अकाउंट बनाना है यानी वेबसाइट। तो चलते हैं यहाँ पर हम ऐप्स में, ऐप्स में आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाते हैं। तो वेबसाइट के अंदर आपको आना है ई कॉमर्स, स्टार्ट नाउ, इट्स फ्री, आपका नेम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट का नाम, फ़ोन नंबर, कंट्री, लैंग्वेज देकर स्टार्ट करना है। तो मैं डाल देता हूँ सब कुछ, स्टार्ट नाउ, वेलकम टू ओडो, अब हमें एक वेलकम करेगा, द वन प्लेटफॉर्म यू विल एवर नीड टू ट्रांसफॉर्म ऑल योर एक्टिविटीज़। तो देखते हैं बिल्डिंग योर ई कॉमर्स, हमारा ई कॉमर्स अभी बन रहा है वेबसाइट, काफ़ी ईजिली बन जाएगा ये। ये वेबसाइट पर ऊपर आप देख सकते हो tariqzee.odo ऊपर आ चुका है, यानी हमारा एक URL बन चुका है, आप ऊपर देख सकते हो ऑलरेडी। रेडी टू बिल्ड द परफेक्ट वेबसाइट विल सेटअप एंड रनिंग इन 4 steps। चलिए लेट्स डू इट पर क्लिक करते हैं। आई वॉन्ट अ बिजनेस वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, इवन वेबसाइट, हमें चाहिए एन ऑनलाइन स्टोर। हमें सर्च करना है क्लोथ एंड यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्लोथिंग स्टोर, क्लोथिंग स्टोर क्लिक करना है विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल मोर एंड हमारा पैलेट यानी वेबसाइट किस थीम का होगा। आपको बहुत सारे अलग अलग कलर थीम मिल जाते हैं, आप किसी हिसाब से जो भी पसंद आ रहा है वो चूज़ कर सकते हो, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, या फिर आप अपने लोगों के हिसाब से भी थीम चूज़ कर सकते हो, तो मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, अच्छा लग रहा है। पेज में आप क्या क्या फीचर्स ऐड करने वाले हो, कुछ पेड है एंड कुछ फ्री है, तो कुछ फ्री मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अबाउट अस, सर्विसेज, प्राइसिंग, प्राइवेसी पॉलिसी, ई लर्निंग, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, 15 दिन का ट्रायल मिल जाता है, आप कर सकते हो। चलिए बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करते हैं एंड ये मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री प्लान, एक भी पैसे नहीं दे रहा, आप चाहे तो कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर फ्री ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं, एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, 15 दिन के बाद आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें अपना थीम चूज़ करने को बोल रहा है कि किस तरीके का होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। तो ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऊपर सेक्शन आएगा, नीचे क्लोथिंग आएगा, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये लोड हो रहा है फिर से, थोड़ा टाइम इसमें लग सकते हैं मगर पेशेंस रखना। तो फाइनली हमारा वेबसाइट रेडी हो गया गाइज, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल। अगर आपको वेबसाइट बनाने का 0 नॉलेज है तब भी आप इसे बना सकते हो एंड आप अभी आपके हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अब ये रहा लोगो, आप यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपना लोगो अपलोड अभी करने वाला हूँ। अब ये वाला पब्लिश हो गया, ये जो आपका वेबसाइट का लिंक है कहीं पर भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी एंड एक और इनकॉग्निटो टैब पर मैं इस लिंक को कर लेता हूँ पेस्ट। जो कोई भी इस वेबसाइट पर विजिट करेगा आपका वेबसाइट शो करेगा, मैं दिखाता हूँ, ये वेबसाइट अभी लाइव है विदाउट होस्टिंग, विदाउट डोमेन एंड बिल्कुल ही फ्री में कोई भी इसे फंक्शन यानी यूज़ कर सकता है। एंड अभी आपको इसे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, आपको लोगो देना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पर जा सकते हैं, सेटिंग्स, एप्स, ई कॉमर्स में पेमेंट प्रोवाइडर्स, पेमेंट मेथड, शिपिंग मेथड, आपको सब कुछ ऐड करना है। तो चलिए थोड़ा सा वेबसाइट को चेंज करते हैं, आपको जाते हैं टॉप राइट के, ये फ़ोन वाला आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोन पर क्लिक करते हो यानी फ़ोन पे आपको वेबसाइट किस तरीके दिखता है आप इस तरीके देख सकते हो। फ़ोन में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको अलग से कोडिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इससे आप 1 क्लिक पर ही बना सकते हो काफ़ी इजीली एंड बिल्कुल फ्री में। तो इसे थोड़ा एडिट कर लेते हैं, इस फिर से फ़ोन वाले पर क्लिक करते हैं एंड एडिट पर क्लिक करते हैं अभी। तो एडिट पर आकर आप सब कुछ इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये रहा हमारा लोगो, इस पर क्लिक करते हैं, ये वाला टेम्पलेट है, हम कोई और चीज़ चेंज कर सकते हैं, ये वाला हेडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप देखना अभी चेंज होने वाला है, हमारा हेडर चेंज हो गया, हमारा लोगो यहाँ से आकर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे ब्लॉक्स में जाकर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थीम पे जाकर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसे हम डबल क्लिक करता हूँ, एनएस अपना इमेज एक अपलोड कर सकते हैं, मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं एक लोगो यहाँ से अपलोड कर दिया है मेरा एक लोगो एंड कर लेता हूँ सेव। हमारा वेबसाइट पर ये सब कुछ चेंजेस आ चुका है, आप देख सकते हो। अब पेंडिंग एक्टिवेशन पर क्लिक करना है, रिसेंट पर क्लिक करना है, आपके ईमेल पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, उसे आपको एक्टिवेट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल पे जाके, तो हमारा एक्टिवेशन कोड आ गया, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे कर लेते हो स्किप, ऑल डन, गो टू tariqzee.odo.com
एंड हमारा वेबसाइट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया एंड एक्टिवेट भी हो गया। लो प्राइस गारंटी, 30 डेज रिटर्न, स्टैंडर्ड शिपिंग, ये चाहे भी आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमें कस्टमाइज करते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड पे आते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। ओके आ गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं माय अकाउंट, ये रहा आपका अकाउंट। अब इसे फिर से कस्टमाइज करने के लिए आपको जाना है ऊपर टॉप लेफ्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट बटन पर जाके आप एडिट कर सकते हैं। आप चाहे तो पेज पर कोई नया एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट में जाना है, न्यू पर क्लिक करना है, कोई पेज क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, फोरम है, ब्लॉग है, जॉब पोजीशन, अपॉइंटमेंट, लाइव चैट, विजिट, कोर्स। अभी फ्री के लिए हमें प्रोडक्ट और पेज ही मिलेगा, तो प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट का एक नाम देते हैं टी शर्ट प्रीमियम एंड इसका प्राइस रख देंगे 499 रुपीज़। टैक्स के साथ आएगा 5% GST 523 में। सेव करते हैं, हमारा एक नया प्रोडक्ट आ चुका है। प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करके। प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करते हैं, मैं एक सैम्पल इमेज डाउनलोड कर देता हूँ, ये ओवरलेस का है, कॉपीराइट आ सकता है, मगर बस डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये आपका खुद का वेबसाइट है, किसी और प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी ये इस वेबसाइट को काम करने के लिए आपको बैक एंड में ऐड करना पड़ेगा, ये बस शो के लिए है। आप कोई भी टी शर्ट कोई प्रोडक्ट ऐड तो कर सकते हो, मगर कोई पेमेंट प्रोवाइडर ऐड नहीं किया, कोई भी सप्लायर नहीं है, कोई शिपिंग प्रोवाइडर नहीं है, वो सभी आपको ऐड करना है। अगर मैं इस ऐड टू कार्ट पर दिखाता हूँ, मैंने ये वाला ऐड टू कार्ट किया था, ये वाला हमने जो बनाया था अभी, ऐड टू कार्ट पर फिर से क्लिक करते हैं एंड व्यू टू कार्ट पर क्लिक करते हैं, दो हो गए एक कर लेते हैं, चेकआउट पर क्लिक करते हैं। हमने अभी बिलिंग शिपिंग कुछ ऐड नहीं किया, उसके लिए हमें ऐड करना है कॉन्फ़िगरेशन, ई कॉमर्स, पेमेंट प्रोवाइडर्स। आपको बहुत सारे पेमेंट प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, अमेज़न पेमेंट सर्विसेज, रेजर पे अच्छा है, पेपल भी अच्छा है, तो कोई भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, स्ट्राइप भी अच्छा है। एनी से आप ऐप्स पर क्लिक करके कोई भी ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो जो आपके वेबसाइट के लिए काम आता हो। अब हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करना है, उसके लिए हम आएंगे फिर से कॉन्फ़िगरेशंस पे, यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स। सेटिंग्स पे आप अपना डोमेन देख सकते हो, आपका डोमेन खुद का कस्टम डोमेन ले सकते हो, उसके लिए पैसे देना पड़ेगा। हमें फेविकॉन भी चेंज करते हैं, फेविकॉन मतलब ऊपर जो शो करता है। आप अपना वेबसाइट का नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप डोमेन भी खरीद सकते हो, पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो यहाँ पर, एंड फाइनली यहाँ पर थोड़ा और नीचे आके शिपिंग, आप कौन सा शिपिंग ऐड करना चाहते हो। कस्टमर तो शिपिंग ऐड करेगा, आप कौन से थ्रू शिपिंग करना चाहते हो, UPS के थ्रू, FedEx के थ्रू, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। इनवॉइसिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, पॉलिसी है, SEO भी आपको मिल जाता है। जनरल सेटिंग्स पे चलते हैं, जनरल सेटिंग्स पे आपको यूज़र्स, लैंग्वेजेस, कंपनीज, यूनिट्स ऑफ मेजर, डिस्कस, URL वगैरह, स्टैटिस्टिक, परमिशन सब कुछ मिल जाएगा। अब ये ऑटो मतलब पूरे का पूरा वेबसाइट आप होस्ट करता है, यहाँ के सारे फीचर्स डिस्क्राइब करने में टाइम लग जाएंगे, मगर एक बार आप ओडो में अपना एक क्लोथिंग स्टोर बना ले तो ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल बनता है, क्योंकि आपके खुद का वेबसाइट बन जाता है। एक तो मैं एक क्या हो रहा है, वेबसाइट पे चलते हैं, आपका एक खुद का वेबसाइट बन जाता है, आपका वेबसाइट का नाम आता है, ब्रांडिंग आता है, आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर प्रिंट ऑन डिमांड में अदर वेबसाइट पर होता है कि आपके उनके हिसाब से चलना पड़ता है, मगर यहाँ पर आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। मगर उसके लिए आपको सबसे पहले सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, आप कहाँ से टी शर्ट वगैरह लेंगे, डिलीवरी पार्टनर चूज़ करना पड़ेगा कि सब डिलीवर करेंगे एंड प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे सब कुछ। उसके बाद से आप एक अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते थ्रू एड्स, थ्रू सोशल मीडिया, एंड आपका खुद का एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते, एक रियल ऑनलाइन स्टोर, रियल प्रिंट ऑन डिमांड के हिसाब से। आप प्रिंट ऑन डिमांड नहीं, आप खुद का एक स्टॉक लगाकर एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो ओडो पर आप ये कर सकते हैं। शॉपिफाई में भी होता है, मगर ओडो नया नया है एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ओडो के ऊपर वीडियो बना दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं ओडो के ऊपर एक फुल वीडियो बनाऊँ, तो मैं खुद एक ओडो का प्लान खरीदूँगा एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे एक बिजनेस सेटअप करना है पूरा का पूरा। तो उसके लिए कमेंट जरूर से करना, मैं एक पूरा वीडियो जरूर से लाऊँगा। आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो पे।